नमस्कार, आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में DDU GKY के माध्यम से युवाओं के साथ ट्रेनिंग के नाम पर की जा रही ठगी। संस्थान में दिया जा रहा गंदा खाना व पानी। तेलवी विधानसभा चुनावों का प्रसारण किया जाएगा लाइव यूट्यूब पर। देश के अलावा विदेशों में भी चुनाव प्रक्रिया देखी जा सकती है लाइव। हमीरपुर की रोपा पंचायत का प्रतिनिधिमंडल मिला SDM हमीरपुर अरिंदम चौधरी से। बनी में पटवार खाना खोलने की गई मांग। हिमाचल गौ सेवा समिति की बैठक का किया गया आयोजन। गौ रक्षा के लिए बैठक में की गई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में ट्रेनिंग के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DDU GKY के सौजन्य से BPL परिवार के संबंधित युवाओं को भारत सरकार बैंकिंग ऑफ फाइनेंस की 9 माह की ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाया जा रहा था, लेकिन हमीरपुर के लोहारी ITI में करीब 140 युवाओं ने ट्रेनिंग के नाम पर धोखा होने की बात कही है। गुस्साए युवकों ने DC हमीरपुर से शिकायत की और इस अवसर पर DC कार्यालय परिसर में नारेबाजी भी की। हमीरपुर में ट्रेनिंग के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DDU GKY के सौजन्य से BPL परिवार से संबंधित युवाओं को भारत सरकार बैंकिंग ऑफ फाइनेंस की 9 माह की ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलवाया जा रहा था, लेकिन हमीरपुर के लोहारी ITI में करीब 140 युवाओं ने ट्रेनिंग के नाम पर धोखा होने की बात कही। गुस्साए युवकों ने DC हमीरपुर से शिकायत की और इस अवसर पर DC कार्यालय परिसर में नारेबाजी भी की। युवाओं ने आरोप लगाया है कि ट्रेनिंग के साथ साथ हर माह 1,000 रूपए कौशल विकास भत्ता मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान खाने व रहने के लिए भी सही सुविधा नहीं है। युवाओं का कहना है कि पीने के लिए पानी भी गंदा दिया जा रहा है और इससे युवा बीमार पड़ रहे हैं और अपने खर्चे पर गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंदा खाने को दिया जाता है और आज तक केवल किताबें दी हैं और केवल एक टी-शर्ट दी गई है, लेकिन आवेदन करने के समय कहा गया था कि सभी कुछ मुफ्त मिलेगा और 1,000 रूपए भत्ता भी दिया जाएगा। मैं DDU का स्टूडेंट हूँ, जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाई गई उसके लिए हम अपने स्टडी कर रहे हैं, जिसके हमें जो सुविधा बताई गई थी वो हमें नहीं मिल रही है, जिसके अंडर हमें जो भी है बोल रहे हैं कि अपना खर्चा करो, खाने के लिए हम बाहर से खा रहे हैं, जो ये देते हैं वो गंदा खाना देते हैं हमें, ना कि गंदा पानी होता है। 3 दिन से हमें पानी नहीं मिल रहा है और जो भी हमें ड्रेस दी गई वो हमें शर्ट दी गई और कुछ नहीं दिया गया, और जो स्टडी मटेरियल वो बुक्स दी गई हैं, जो हमें नोटबुक है वो कुछ नहीं मिला, बोलते बाहर से लो। और जो हमारे घर में आए थे तो उन्होंने बोला था कि आपको सब कुछ फ्री है यहाँ पर, और हम यहाँ DC ऑफिस में आए आज कंप्लेंट करने। और हमने इन्हें कंप्लेंट दी कि हमें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, 3 दिन से पानी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने हमें बोला कि फाइलें लो, बैग उठाओ और घर चले जाओ। घर जाओ, 2-2 लाख खाना बेचते दो, बात में सुनाते हैं कि आप घर पे ऐसा खाना खाते हो, फ्री का खाते हो, ऐसा मिलेगा। सर, इसमें हमें जो सरकार की तरफ से हमें एक बच्चे के लिए 2 लाख रुपए आ रहा है सर, उसकी हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और हमें पानी जो है वो भी गंदा मिल रहा है ना, इससे हम बीमार हो रहे हैं और हमारा खुद का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और खाने पीने की हमें प्रॉब्लम है, हम अपनी जेब से सारा खर्चा करते हैं और जो सरकार की फैसिलिटी है जैसे बुक्स वगैरह कॉपियाँ बोला है वो भी नहीं मिल रही हमें। और ड्रेसेस की बात लें सर, तो ड्रेसेस में इन्होंने हमें टी शर्ट दी है और ये उस टाइम एडमिशन हुई थी तो इन्होंने बोला था कि आपने कुछ घर से लेके नहीं आना है, और अब ये इन्होंने बोला कि आप अपनी ब्लैक पैंट लेके आओ, घर से जूते लेके आओ ना सर। कार्यक्रम में वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। RJ फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। RJ फैशन पॉइंट, जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट,
कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट, अपोजिट डीप एंड कंपनी, नियर सब्जी मंडी, हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन, प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिरडी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर व दीवारों को बनाए मजबूत, घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस, हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारे रोहित ट्रेडिंग कंपनी, नियर ब्यास ब्रिज, आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452118163351414। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। 13वीं विधानसभा के चुनावों का प्रसारण लाइव यूट्यूब पर किया जाएगा और देश के अलावा पूरा विदेशों में भी चुनाव प्रक्रिया लाइव यूट्यूब पर के माध्यम से देखी जा सकती है। इस कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए बकायदा जिला प्रशासन हमीरपुर पूरी तरह से जुट चुका है। गत 5 दिनों से हमीरपुर के बचत भवन में चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर परिपक्व बनाया जा रहा है ताकि बढ़िया तरीके से मतदान केंद्रों पर तैयारी हो सके। 13वीं विधानसभा के चुनावों का प्रसारण लाइव यूट्यूब पर किया जाएगा और देश के अलावा पूरे विदेशों में भी चुनाव प्रक्रिया लाइव यूट्यूब के माध्यम से देखी जाएगी। इस कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए बकायदा जिला प्रशासन हमीरपुर पूरी तरह से जुट चुका है। गत 5 दिनों से हमीरपुर के बचत भवन में चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर परिपक्व बनाया जा रहा है ताकि बढ़िया तरीके से मतदान केंद्रों पर तैयारी हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC हमीरपुर मदन चौहान ने बताया कि इस बार चुनावों का प्रसारण यूट्यूब पर किया जाएगा जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम भी इसी सप्ताह हमीरपुर आएगी जो कि तैयारियों का जायजा लेगी। इलेक्शन कमीशन की टीम जो है हिमाचल को विजिट करने वाली है इसी हफ्ते के अंदर और हो सकता है कि वो हमीरपुर जिले में भी आए। अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है पर हो सकता है कि वो हमीरपुर जिला में भी आए। तो वो मैंने BLOs को बता दिया है कि आपका किसी
किसी भी बूथ पे जा सकते हैं, तो वो बूथ जो है पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, उसके ऊपर बोर्ड लगा होना चाहिए, बोर्ड में कुछ चीज़ें लिखनी है वो हमने इनको बता दी है। 50% जो है वो वेबकास्टिंग जो है होनी है, 50% पोलिंग स्टेशन के लिए, ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है। अब आप समझते हैं कि वेबकास्टिंग जब होगी तो वो तो फिर यूट्यूब पे अपलोड करके कहीं भी इंटरनेट पर उसको दिखा जा सकता है। और जैसे मैं बी एल ओस को भी बता रहा था कि जो हमारे स्थानीय निवासी कहीं बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है अपने लोगों को देखना, अपने देश की जो है वो एक्टिविटी क्या हो रही है, तो इस बार उस तरह से तैयारी हमने करनी है। और इसके अलावा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी 2-3 दिनों में हम 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी और पूरा कवर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि हम मैक्सिमम वोटर को इसमें एडजस्ट कर पाएंगे। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला की 50% मतदान केंद्रों में लाइव प्रसारण यूट्यूब पर होगा, जिसके चलते जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। साथ ही इसी सप्ताह केंद्रीय निर्वाचन की टीम भी हमीरपुर में आएगी, जो सारी तैयारियों का जायजा भी लेगी। इसी के चलते विशेष प्रशिक्षण देकर कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित कर प्रसारण के लिए ढंग से काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। हमीरपुर की रोपा पंचायत का प्रतिनिधि मंडल एसडीएम हमीरपुर अरिंदम चौधरी से मिला। रोपा पंचायत का पटवारखाना बल पंचायत में आता है। लोगों ने एसडीएम हमीरपुर से गुहार लगाई है कि रोपा पंचायत के लिए पटवारखाना बनी में ही खोला जाए, ताकि उनको अपने कामों को करवाने में किसी तरह की दिक्कतें पेश न आए। जिला हमीरपुर की रोपा पंचायत का प्रतिनिधि मंडल एसडीएम हमीरपुर अरिंदम चौधरी से मिला। रोपा पंचायत का पटवारखाना बल पंचायत में आता है। लोगों ने एसडीएम हमीरपुर से गुहार लगाई है कि रोपा पंचायत के लिए पटवारखाना बनी में ही खोला जाए, ताकि उनको अपने कामों को करवाने के लिए किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आज वह जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि रोपा पंचायत के पटवारखाने को बनी में खोला जाए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनका पटवारखाना बनी में था, लेकिन उसे बदल कर बल कर दिया गया, जिससे लोगों को अपने काम करवाने के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पटवारखाने के लिए बनी में 2 कनाल जगह भी उपलब्ध है। इसी को लेकर आज ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि पटवारखाना बनी में खोला जाए। गौरतलब है कि रोपा पंचायत व बल पंचायत का पटवारखाना बल में ही होने से लोगों को अपने काम करवाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और रोपा पंचायत के लोगों को 7 किलोमीटर दूर जाकर अपना काम करवाना पड़ता है। ग्राम पंचायत रोपा आज अपने ग्रामीणों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। हमने डीसी साहब को एक ज्ञापन देना है, जो कि हमारा पटवारखाना बल में है, उसकी जो उस एरिया के पटवारखाने में जो लोग आते हैं वो पूरे रोपा पंचायत के, तो रोपा पंचायत में ऑलरेडी पटवारखाने की जगह अलॉटमेंट है 2 कनाल, तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पटवारखाना जो बनी में होना चाहिए, ना कि बल में। लोगों को 9-10 किलोमीटर जाने में परेशानी होती है, और अगर बनी में पटवारखाना आ जाए तो लोग केवल 1-2 किलोमीटर के एरिया में हैं, जो कि उनकी सारी समस्या हल हो जाएगी। तो मैं इसलिए हमारे पूरे ग्रामीण रोपा पंचायत के यहाँ पर आए हैं कि हमारा पटवारखाना जो है वो बनी में होना चाहिए। हमारे पंचायत पूरी पंचायत रोपा पंचायत के बंदे हमारा जो पटवारखाना था वो बनी में था पहले, और अभी जो है वो बल में करीब 10 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है हमें। तो लोगों की च्वाइस है कि सारा पटवारखाना जो है हमारा वो बनी में आना चाहिए। हमारा जो पटवार घर कई सदियों से था बनी गाँव में था, और हमारी पंचायत के जितने भी लोग हैं उनको बल में जाना पड़ता है बहुत दूर, तो इसलिए हमारा पटवार डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो पटवार घर है वो बड़ी में ही बनाया जाए, और इधर हमारी 2 कनाल जगह जो है वो बड़ी हुई है पटवार खाने के ही नाम से। है जी, हम पटवार खाना हमारा बल बन जाएगा, 87 साल उम्र में खाना से बल नहीं जा सकता। हमारा पटवार खाना जो है वो रोपा पंचायत बड़ी में होना चाहिए। है जी, हूँ यह जगह था अज आना बिग बसा अटेंड चौबी यह गली पी और बनी में मारा 2 कनाल जगह मारी जगह मारा पटवार खाना बल में चले गया। अहम जो नसीब 87 साल उम्र बिच अभी दूगी कें मारी जगह ही तो सब पटवार खाना मनना चाहिए। पंचायत रूपा कने गांव बल ये पटवार खाना बनी में होना चाहिए।
हिमाचल गौ सेवा समिति की बैठक का आयोजन शिव मंदिर परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष रसिल सिंह मनकोटिया ने की। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से प्रदेश सरकार लावारिस गाय को बचाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए हैं, किसी तरह की कोई भी सुविधा गौशालों के लिए नहीं दी गई है। हिमाचल गौ सेवा समिति की बैठक का आयोजन शिव मंदिर परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष रसिल सिंह मनकोटिया ने की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश सरकार ने लावारिस गाय को बचाने के लिए कोई कारगर प्रबंध नहीं किए हैं, किसी प्रकार की सुविधा गौशालाओं को नहीं दी गई है, सरकार की तरफ से कोई सहायता गौशालाओं को नहीं मिली है। ग्राम पंचायतों ने भी गौशाला अपने स्तर पर शुरू की है। खुले में गौधन को छोड़ने वालों पर सरकार ने अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। बैठक में समिति के ओम प्रकाश शर्मा, सत्यपाल पटियाल, भूमिदेव शास्त्री, केशव शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। सेवा समिति की मीटिंग हमीरपुर में हो रही है। आज जितने भी यहाँ गौशालाओं के लोग आए हैं, सब इस बात से चिंतित हैं कि पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश सरकार ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो कि पशुधन के लाभ के लिए हो, गौशाला के लाभ के लिए हो या किसानों के लाभ के लिए। आज हजारों की संख्या में गौधन सड़कों पे है। यहाँ तक कि माननीय हाईकोर्ट का निर्णय भी इस प्रदेश सरकार ने उस पर लागू नहीं किया। आज किसी भी पंचायत में सरकार की तरफ से कोई गौशाला नहीं खोली गई, जिससे किसानों का फसलों को नुकसान हो रहा है और किसानों का ही पशुधन जो है वो सड़कों पे बिखरा हुआ है। मुझे इस बात का दुख है कि आज तक इस सरकार ने किसी भी गौशाला के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई, जो कि एक चिंता का विषय है। इसलिए आज इस ये गौशाला समिति जो है इस प्रदेश सरकार की जो नालायकियाँ हैं उसको हम उजागर कर रहे हैं और इसका खमियाजा आने वाले चुनावों में इस प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने इस पशुधन को, इस गौ माता को सड़कों पर बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसकी सरकार की हम भरसक निंदा करते हैं। गौशाला कमेटी ने कई बार इस प्रदेश सरकार को निवेदन किया है कि जिन गौशालाओं के पास भूमि नहीं है उन्हें सरकारी भूमि दी जाए, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर कोई चिंता नहीं की, कोई अमल नहीं किया। इससे उल्ट अपने पूर्व विधायकों को और वर्तमान विधायकों को जो पटे पर जमीन देने का निर्णय लिया है उसका विरोध करते हैं। मैं अपनी ओर से ये कहूँगा कि आज तक सरकार ने किसी भी गौशाला के लिए पूरे प्रदेश में ना कोई अच्छा कार्य किया, ना ही किसी का कोई एड दी, ना घास के बारे में और ना ही मैं समझता हूँ कि किसी को भूमि अलॉट की हो। हमारी पुरानी गौशाला जो 10-12 साल से चल रही हैं उनके लिए ज़मीन के आज तक कागजात हैं वो शिमला में पड़े हैं और आज तक वो कागजात जो नहीं निकाले हैं और ना ही वो जो गौशालाएँ प्रॉपर चल रही हैं, लेकिन जो भूमि है वो किसी को अलाउड नहीं की है। सरकार कहती है कि हमने पंचायतों को ज़मीन दे दी है, लेकिन वहाँ यदि ज़मीन दे दी गई है तो गौशाला क्यों नहीं खुली? इसका मतलब ये सरकार की नालायकी है। हम पूर्ण जोर से उसका जो है विरोध करते हैं। आज गौ की इतनी दुर्दशा है कि लोग जब खेतों में जाते हैं उसको डंडे मारते हैं और जंगलों में जाते हैं तो जंगलों को लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो मैं फॉरेस्ट्री विभाग से चाहता हूं कि इसके ऊपर संज्ञान में लिया जाए इस चीज़ को कि लोग इसको जो इंक्रोचमेंट कर रखी है जंगलों में उसको तोड़ा जाए और इसके ऊपर सख्ती कार्रवाई हो ताकि हमारे ये पशुएं जंगलों में चर सकें। आज पशुओं को चरने के लिए ना तो जंगल है ना तो वन्य प्राणी के लिए जंगल बचे हैं। लोगों को पूछा जाए और विभाग इसको संज्ञान में ले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वन की जो परिभाषा है क्या है? आज जंगल हैं वो मैदान बन चुके हैं, इन मैदानों को तोड़ा जाए और ये जंगली पशुओं के लिए और जो हमारी गौ माता है उनके लिए इनको छोड़ा जाए ताकि ये वहाँ पर अपना पेट भर सके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ ये वन विभाग अपनी नींद को तोड़े और इसके ऊपर संज्ञान में लिया जाए, जो लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है उनके ऊपर चलान बनाया जाए और इनकी TR काटे जाए। पहले ही गौ माता दर बदर घूम रही है, चौराहों पर, रोडों पर, हर जगह गौ माता की बहुत बुरी हालत है। इस युग में गौ माता के साथ जो अन्याय हो वो किसी भी युग में नहीं हुआ है। गौ हमारी माता है और उसकी हमें पूजा करनी चाहिए और पूजा करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो जलाए छोड़ से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर व ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आएं
पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नई लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटनसिद हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762 8892339090। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अरक व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। गणपति इंटरप्राइजेस लावा मोबाइल हमीरपुर। हमारे यहाँ उपलब्ध हैं लावा के हर तरह के मोबाइल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल होलसेल और रिटेल किए जाते हैं। ग्राहकों की हर सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर ग्राहकों को दी जाती है बेहतरीन सर्विस। दुनिया का जाना माना नाम लावा मोबाइल। तो आप चाहते हैं मैं लोगों को बोलूं कि आपका फोन बहुत रिलायबल है? सर, लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से होकर गुजरता है। मैं कैसे मानूं? सर, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। ओहो, गलती से ले लिया। लोगों को ये बोलने से पहले कि आपके फोन रिलायबल है, have to be sure. वैसे लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से गुजरता है। एक्स्ट्रा टॉवल लाना चाहिए था, कॉल करके मंगवा लेंगे। oh, no. फोन अंदर ले आया, खराब हो जाएगा। नो सर, इसके लिए भी टेस्ट किया सर। जस्ट वन ऑफ द थाउजेंड टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल, नेवर लेट्स यू डाउन। जब भी लेना हो लावा मोबाइल आए गणपति इंटरप्राइजेस हमीरपुर। हमारा पता है गणपति इंटरप्राइजेस न्यू रोड ऑपोजिट इलाहाबाद बैंक हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816783899805816833। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा हमीरपुर में मीडिया के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के मीडिया कर्मी, पत्रकारिता विषय के छात्र व जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त दंड अधिकारी रतन गौतम ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक निदेशक पत्र सूचना कार्यालय हेमंत कुमार चौहान ने की। इस अवसर पर मीडिया व युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें कौशल विकास निगम के क्रियाकलापों और GST इत्यादि की जानकारी प्रमुख रूप से दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा हमीरपुर में मीडिया के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के मीडिया कर्मियों, पत्रकारिता विषय के छात्र तथा जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त दंड अधिकारी रतन गौतम ने की।
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त दंडाधिकारी रतन गौतम ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक निदेशक पत्र सूचना कार्यालय हेमंत कुमार चौहान ने की। इस अवसर पर मीडिया व युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें कौशल विकास निगम के क्रियाकलापों और जीएसटी इत्यादि की जानकारी प्रमुख रूप से दी गई। इस अवसर पर सहायक निदेशक पत्र सूचना कार्यालय हेमंत कुमार चौहान ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाना था, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ये मीडिया वर्कशॉप प्रेस सूचना कार्यालय शिमला द्वारा व चंडीगढ़ द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पत्रकार बंधु मीडिया के लोग काम करते हैं, उनके साथ जो PIB का सीधा रास्ता कायम करना है, ताकि जो सरकार के प्रोग्राम नीतियां और ऐसे ही और ग्रांट प्रोग्राम हैं, उनके बारे मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाना है। अभी तक हिमाचल में कुल्लू धर्मशाला मंडी में ऐसे वार्तालाप के प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, तो हमारा इसके साथ एक और भी उद्देश्य है कि जो पत्र सूचना के कार्यालय के बारे में अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के मीडिया को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्हें इसके बारे में भी बताना कि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे कर सकते हैं। चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में DDU GKY के माध्यम से युवाओं के साथ ट्रेनिंग के नाम पर की जा रही ठगी। संस्थान में दिया जा रहा गंदा खाना व पानी। तेरहवें विधानसभा चुनावों का प्रसारण किया जाएगा लाइव YouTube पर। देश के अलावा विदेशों में भी चुनाव प्रक्रिया देखी जा सकती है लाइव। हमीरपुर की रोपा पंचायत का प्रतिनिधि मंडल मिला SDM हमीरपुर अरिंदम चौधरी से। बनी में पटवार खाना खोलने की गई मांग। हिमाचल गौ सेवा समिति की बैठक का किया गया आयोजन। गौ रक्षा के लिए बैठक में की गई चर्चा। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एस्टोरी के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले जो प्रदेश देश और विदेश से राजनीति खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाने का वादा करता है, हर खबर पर होगी पैनी नजर।